हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स के आंसर कीज के बारे में। तो जो ये वाला पेपर है ये किसी कैंडिडेट ने सेंड किया है, ठीक है। 11 जुलाई 2021 को ये एग्जाम हुआ था और पंजाब लेक्चरर से कुछ बच्चे बैच में भी ऑलरेडी थे। तो अगर हम बात करें ओवरऑल डिफिकल्टी के बारे में तो ईजी टू मॉडरेट हम लोग कह सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये पैटर्न आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अभी ट्राई करना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। तो ये पार्ट वन है, इस पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे 70 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। सो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोज आपको, ठीक है, वीडियोज हैं, एमसीक्यूज की सीरीज हैं यहाँ पे मिलती रहेंगी, और यूजीसी नेट और पीजीटी की एग्जाम्स जितने हैं उनको हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये अगर टॉपिक्स नहीं आपने रीड आउट किए या फिर नहीं देखे एक बार विजिट कर लेना चैनल पे, और अगर न्यू हैं स्टूडेंट्स आप चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर देना, सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, ठीक। चलिए अगर हम बात करें इस पंजाब लेक्चरर के पेपर को, ठीक है। सो अगर जब आप पंजाबी जो गल करिए तो जो पेपर का लेवल से वो मॉडरेट टू ईजी लैवल का सी, इन्ना टफ लैवल का नहीं सी। जो तुम इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो पीजीटी की थोड़े वास्ते काफ़ी ईजी ये थोड़ा पेपर लगेगा, ठीक। चलिए तो इस पंजाबी भी है तो इंग्लिश है, ठीक है। आप गल करा इंग्लिश है ओनली, ठीक। सो नंबर वन अगर हम क्वेश्चन की बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड तो दोनों ही है, सिर्फ हम लोग आंसर को मूव करते हैं, आंसर को हम लोग टिक करते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा गो थ्रू करते हैं आगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्या ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो जो सेकेंड वन है इसका आंसर फर्स्ट है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी आंसर गलत है तो कोई बात नहीं, आप उसको पोस्ट करना कमेंट में, ठीक है। तो जब आपकी डिस्कशन होगी कमेंट में तो हो सकता है वहां से भी कोई एक सजेशन या फिर एक हम बात करें एक राइट आंसर निकल सके, ठीक है। गिफन पैराडॉक्स है, दैट इज व्हेन डिमांड कर्व इज राइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, गिफन गुड्स, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अब आंसर की अपनी मैच कर लेना, यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ राइट आंसर को ही टिक कर रहे हैं। सो मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी डिसीजन किसके हाथ में होता है, मार्केट फोर्सेस के, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मार्केट इकोनॉमिक्स के बारे में, कौन सा सही है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक। वहीं अगर हम सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेंज इन डिमांड, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इसका जो आंसर होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइस इफेक्ट ना नेगेटिव होता है, मतलब अगर हम बात करें प्राइस और डिमांड दोनों का जो रिलेशन होता है नेगेटिव होता है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है पेन और इंक का, जैसे ही पेन का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो पेन का प्राइस बढ़ने से पेन की डिमांड कम हो जाएगी, तो सिमिलरली इसके पेन की प्राइस बढ़ने से जो दूसरी चीज़ की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी की डिमांड कम हो जाती है, तो इसलिए क्रॉस इफेक्ट जो होता है ना नेगेटिव होता है, तो जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, तीनों ने ही नोबेल प्राइज जीते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मोर और मोर टू लेस, दैट इज ट्रांसिटिविटी। उसके बाद 11th क्वेश्चन आ जाएगा नॉन ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, पॉल सैमुएलसन। उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन इनकंसिस्टेंसी। चलिए नेक्स्ट, 15th क्वेश्चन, एन इंडिफरेंस मैप, तो ये होता है डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो राइट आंसर है दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व, तो जहां पे टेंजेंट या फिर जहां पे टच करती हैं दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18 जो राइट आंसर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दैट इज बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, अभी नहीं होगा, जब 150 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। उसके बाद जो 21 क्वेश्चन है, तो आपके पास अगर डिफरेंट डिफरेंट सेट है तो डिफरेंट क्वेश्चनिंग जो है आपकी थोड़ा सा शफल हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आप उसको मैच कर लेना। सो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, जो लर्नर मोनोपोली पावर्स। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है दैट इज ए।
उसके बाद नेक्स्ट 23 का जो राइट आंसर होगा दैट इज मोनोपोली बट नॉट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है दैट इज मोनोपोसोनी सिंगल बायर. ठीक है, और बायलेटरल मोनोपोली सिंगल मोनोपोलिस्ट सिंगल मोनोपोसोनिस्ट एक बायर एक सेलर. क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर मोनोपोलिस्टिक की एक करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 27 फैक्टर प्राइसिंग डिटरमाइंड बाय दैट इज ए शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन द नेशनल आउटपुट. उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बात करें रियल वेजेस पे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है, तो जो फैक्टर के लिए डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं डिराइव डिमांड. क्वेश्चन नंबर 30 जो राइट आंसर है फ्यू कंपनीज दैट इज ओलिगोपोली. ठीक है, स्पेशली फ्यू बिग कंपनीज. नेक्स्ट जो 31 का राइट आंसर है दैट इज डी. उसके बाद नेक्स्ट 32 दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन या एक्सप्लोइटेशन गिवन बाय रॉबिन्सन. 33 जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव. 34th का जो राइट आंसर है दैट इज गिवन बाय क्वाजी रेंट. बहुत बार पूछा जा चुका है डायरेक्ट क्वेश्चन अल्फ्रेड मार्शल. ठीक, सो विच इज करेक्ट अबाउट द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है. ठीक है, जे एम किंच 1936 में. उसके बाद नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद. ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ दैट इज एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उसके बाद 37th का जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट या टैक्सेशन जुड़ा हुआ है फिस्कल पॉलिसी से. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज दैट इज ए. तो इस बार लगता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाली है क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी और उस अच्छी लेवल ऑफ प्रिपरेशन से मे बी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है दैट इज ए. और 41 का जो राइट आंसर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिवेन्यू कम है, सो दैट इज बजट डेफिसिट. क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, एनडीपी पूछा हुआ है. एनडीपी सो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन फर्स्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स. उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट, ये जितने भी है ट्रांसफर पेमेंट्स हैं. एंड नेक्स्ट वन विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. सो देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन फ्लोस. उसके बाद नेक्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, इट रेशियो बिटवीन सी अपॉन वाई. बिल्कुल ठीक है, बी. उसके बाद नेक्स्ट 47 का ऑल ऑफ द अबव. एंड क्वेश्चन नंबर 48 मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट दिया है जीएम केंज. क्वेश्चन नंबर 49 केंज इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड अपॉन एमईसी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पे. ठीक है, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट से ही डायरेक्टली उठाया हुआ है. चलिए प्लैंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, प्लैंड क्या होता है, जो हम प्लानिंग करते हैं. सो एक्सेंटिव बोलते हैं, एंटिसिपेटेड भी बोलते हैं, इंटेंडेड भी बोलते हैं, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट. और MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो B1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल गुड्स एंड मनी मार्केट बोला हुआ है, मतलब कि ISLM क्वेश्चन है. ठीक है, ISLM से, और ISLM से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग यहां से करी हुई है फ्रेमिंग. सो हिक्स करेक्ट आंसर है. गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, तो ये वाला एक साइड हम लोग सेविंग लेते हैं, एक साइड इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और उनको इक्वलाइज कौन करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 जो राइट आंसर है दैट इज ए. और 56 जो राइट आंसर है दैट इज डी. ठीक है, इन सब के चेंजेस होने से आईएस कर्व शिफ्ट करेगा, चाहे वो राइट करे या फिर लेफ्ट करे. ओके, नेक्स्ट वन एलएम कर्व इज रिलेटेड विद. ठीक है, एलएम कर्व लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से. ठीक है, एलएम कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अप हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, तो इसका राइट आंसर है ए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 जनरल इक्विलिब्रियम विद कंबाइनिंग गुड्स एंड मनी मार्केट, वही बात कर रहे हैं अगेन ISLM की बात. तो इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61
आईएस कर्व शोज, ठीक है, आईएस कर्व शो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट मस्ट राइजेस टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, जैसे इनकम बढ़ेगा। चलिए एक बार थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट कर देते हैं इसको, आईएस कर्व और एलएम कर्व। जैसे ही यहाँ पे इनकम बढ़ेगा तो आईएस कर्व शिफ्ट कर जाएगा आईएस, दैट इज आई वन पे। तो ये कह रहा है कि वहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा बढ़ेगा, और उसके साथ साथ जो ये इक्विलिब्रियम होता है वो गुड्स मार्केट में होता है, ठीक। तो जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है दैट इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल। क्वेश्चन नंबर 63, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेगफ्लेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 जो है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, और क्वेश्चन नंबर 65 दैट इज डी, ठीक है, बिजनेस साइकिल कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है लोअर टर्निंग पॉइंट, ठीक है, लोअर टर्निंग पॉइंट इसको बोलते हैं थ्रू, ठीक है, लोअर टर्निंग पॉइंट, और उसके बाद दिया हुआ है पीक। तो ये यहाँ से बिजनेस साइकिल से कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीक दैट इज एक्सपेंशनरी फेस। उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया है सिस्टमैटिक फोर फेजेस, दैट इज एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रेक्शन, थ्रू, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन द बिजनेस साइकिल क्या होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव कैन बी हैपेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, लास्ट क्वेश्चन, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉट द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव बाय मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये प्राइस इनस्टेबिलिटी एक ऑब्जेक्टिव नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, बाकी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 70 तक देखना आपके कितने ठीक हुए, फिर एक बार चेक कर लियो थोड़े 70 क्वेश्चन जो किन्ने क्वेश्चन ठीक ने, ठीक है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा पता लग ही गया होना कि जे थोड़ी यूजीसी नेट के लायक तकरीबन तैयारी सी फिर तो ईजी लगेगा, जो थोड़ी पीजीटी लेवल की तैयारी सी फिर थोड़ा ये क्वेश्चन मॉडरेट तो हायर लेवल के लगनगे, ठीक है। तो किन्ने क्वेश्चन थोड़े ठीक बने हैं 70 जो जरूर कमेंट करो। मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस कराएंगे क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वायरीज हैं इससे रिलेटेड तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, 7009783813136, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक, तो डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, लेकिन कॉल निगलेक्ट करियो, हो सकता है कि व्हाट्सएप करियो थोड़ी क्वायरीज जिन्हें भी हैं सॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो जिन्हें भी डाउट है इस क्वेश्चन बारे तुम एक बार कमेंट जरूर करियो, आप कोशिश करेंगे कि जिन्ने भी गलत क्वेश्चन ने, ठीक है, हो सकता है कि कितना क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, कोशिश पूरी की है कि क्वेश्चन राइट होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हुए फटाफट कमेंट करियो, आप उपर जरूर डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो से, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।